क्वेश्चन नंबर 13, अ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म, द प्रिज्म इज आइसोस्केल्स विद एंगल्स एज शोन, इफ द लाइट रे सफर्स टू इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स पाथ इज एज शोन, देन व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म, इट इज गिवन दैट बीएसी इज थीटा, ये एंगल थीटा है. ओके, तो ये एंगल थीटा है, पहले ये वाली रे आई और ये परपेंडिकुलर आ रही है क्योंकि इसमें डेविएशन नहीं हो रहा डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये परपेंडिकुलर आके ऐसे फॉल करी, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन सरफेस के पी आई आर हुआ, तो पहले तो ये एंगल कितना होगा वो देख लेते हैं, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो फिर ये थीटा हो जाएगा, तो यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन जा रहा है दूसरी सरफेस पर, तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे यहां जाएगा, और फिर यहां पर दोबारा से टी आई आर हो रहा है तो सेम एंगल पर फिर ये वापस आ जाएगा, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये भी रिफ्लेक्शन है, और अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, तो फिर ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी 2 थीटा हो जाएगा, तो इस ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन फर्स्ट टी आई आर हो गया, ये सेकेंड टी आई आर हो गया. अब फर्स्ट टी आई आर की बात करें तो क्रिटिकल एंगल जो भी है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होगा 1/μ साइन सी इक्वल्स टू 1/μ, ठीक है, तो जो थीटा एंगल है वहां पर ये थीटा एंगल ज्यादा होना चाहिए सी से, यानी इसका मतलब साइन थीटा ज्यादा होना चाहिए साइन सी से, और साइन सी की वैल्यू 1/μ, तो साइन थीटा ज्यादा होना चाहिए 1/μ से, यानी म्यू ज्यादा होना चाहिए कोसेक थीटा से, म्यू ज्यादा होना चाहिए कोसेक थीटा से, ये पहले टी आई आर से पता चला, टी आई आर 1 से पता चला. अब ऐसे टी आई आर 2 से चेक करें तब भी सेम कंडीशन आएगी, लेकिन थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा, तो सेकेंड टी आई आर से हमें पता चलेगा कि म्यू कोसेक 2 थीटा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो म्यू कोसेक थीटा से ज्यादा होना चाहिए, सही है, कोसेक 2 थीटा से ज्यादा होना चाहिए, दोनों कंडीशन नहीं है, तो ये तो खैर गलत हो गई. अब इन दोनों में से कौन सा चूज करें, तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है, एंगल के साथ घटती है, तो थीटा पर जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी 2 थीटा के कंपेरिजन में, ठीक है, तो अगर कोसेक म्यू की वैल्यू कोसेक थीटा से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली कोसेक 2 थीटा से ज्यादा भी होगी, लेकिन इसका वाइसी वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है, कोसेक 2 थीटा से म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कोसेक थीटा से ज्यादा हो, क्योंकि कोसेक की वैल्यू थीटा के साथ घटती है, करेक्ट, तो फिर इन दोनों में हमें चूज करना है, तो ये ज्यादा जनरल कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ऑलरेडी है तो फिर ये इसमें ऑलरेडी शामिल हो जाएगी, तो इसमें ए ऑप्शन ज्यादा सही बैठेगा फिर.